गूगल सीट की हमारी ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल सीट की कोई फॉर्मेट या कोई ऐसी डेटा शीट या कोई ऐसा टेम्पलेट कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ गूगल सीट पे आते हैं और हम यहाँ एक छोटा सा कैश ट्रैकर बनाना चाहते हैं। तो हमने एरिया को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। मर्ज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, मर्ज सेल का सिंबल है, मर्ज सेल पे क्लिक कीजिए, मर्ज हो जाएगा। और मैं यहाँ टाइप करता हूँ डेली सेल्स रिपोर्ट 2021, टाइप हो गया हमारा। अब इसकी साइज बड़ा करना है, तो साइज को बड़ा करने के लिए आप जो है यहाँ पे वन टू थ्री, ये नंबर फॉर्मेटिंग हो जाता है आपका, ये डेसिमल प्लेस हो जाता है, परसेंटेज है, ये फॉन्ट है कैलिबरी, टेक्स्ट की साइज आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ से टेक्स्ट की साइज बड़ा कर लीजिए। उसके बाद इसको अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट है, कि आप मिडिल में करना चाहते हैं मिडिल में कर लीजिए, यहाँ से मिडिल में कर सकते हैं। और इसके बाद ये अलाइन है कि मिडल में करना है, बीच में करना है या लेफ्ट में करना है, जहाँ भी करना वहाँ कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आता है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है, यहाँ से टेक्स्ट की ओरिएंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका बोल्ड है, ये आपका इटैलिक है, ये आपका स्ट्राइक थ्रू है, ये आपका फॉन्ट कलर है, ये फिल कलर है, ये आपका बॉर्डर है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल यू कर देंगे तो अंडरलाइन भी कर देता है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट लोकेशन लोकेशन, फिर यहाँ पे देता हूँ मैं टाइम। अब इन दोनों के लिए हम इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर में आता हूँ, लेकिन मुझे बॉर्डर जो है यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये आपके बॉर्डर के टाइप्स है कि आपको कौन सा चाहिए। तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए बॉटम बॉर्डर, हमने बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ भी हमने गया और यहाँ भी हमने बॉर्डर पे कर्सर रखा, सिंगल क्लिक किया और ये आपका बॉटम बॉर्डर आ गया। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ नहीं सीरियल नंबर का डेट करता हूँ, डेट के बाद पार्टिकुलर्स सीआर एंड डीआर एंड बैलेंस, बैलेंस कर दिया हमने, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे तक भी आते क्योंकि थोड़ा सा नीचे भी हमें देना है, हमने नीचे तक लिया और इसको हमने ऑल बॉर्डर यहाँ से ले लिया ऑल बॉर्डर। और फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वाले को मैं यहाँ से राउंड बॉर्डर भी देता हूँ ताकि ये बड़ा दिखे थोड़ा सा। और यहाँ से आप बॉर्डर की साइज भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा बॉर्डर साइज चाहिए। हमने इसको ले लिया और यहाँ से इस पर क्लिक किया तो मोटा बॉर्डर आपको पड़ गया, तो बॉर्डर की साइज आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद एंटर, नीचे हमारा टोटल का है तो हम टोटल के लिए भी हम बॉर्डर बॉर्डर के साइज आप टोटल के लिए भी जो है अलग ले डबल लाइन है और हमने यहाँ से डाल दिया तो डबल लाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे टोटल लग देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल का यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सम टाइप दीजिए और फिर आप एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आप एक सेल में सिलेक्ट करते हैं, सम टाइप दिया और एरो के से ऊपर गए और एरिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आता है सी आर माइनस डी आर और यहाँ भी हम करते हैं, पहले हम सी आर माइनस डी आर कर देते हैं और फिर हम यहाँ करते हैं सी आर प्लस बैलेंस माइनस डी आर, एक क्लोजिंग बैलेंस आपके तरफ चलता है। और नीचे तक इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे देता हूँ चेक बाय, उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ प्राइस बाय और फिर इसको हम ऊपर को सिलेक्ट करके, और जैसे कि मैंने बॉर्डर के लिए बताया था
यहाँ से मैं नॉर्मल सिंपल लाइन लूंगा और यहाँ से बॉटम बॉर्डर कर दूंगा और यहाँ भी हम बॉटम बॉर्डर कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी जो ऊपर जो कलर है इसका कलर चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ मैं अपना फिल ग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट देना चाहता हूँ, तो फिल को ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट कलर को मैंने व्हाइट कर दिया। और हमने जो बॉर्डर लगा रखा है तो बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है, तो बॉर्डर कलर को भी मैं यहाँ व्हाइट करता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारा बॉर्डर कलर भी इसी तरह से दिखेगा। ये बन चुका है। इसको बनने के बाद अब मैं ये जो हमारा बन चुका है इसको मुझे शेयर करना।